हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल देखिए आज मैं आपके लिए जो है ना जैकेट लेके आई हूँ वो मैंने ना ये टू प्लाई की वूल है और ये थोड़ी है ना देखिए इस तरह की डिज़ाइनर सी वूल है जिसमें दो कलर आ रहे हैं ये मैरून के साथ दूसरा कलर दिख रहा है तो ये वाली वूल है और जो मेरा क्रोशिया है वो फोर पॉइंट फाइव का है तो ठीक है ये मैंने ना आपको पहले ही दिखा दिया है फिर सब है ना कमेंट करते रहते हैं कि मैम आपने बताया नहीं तो ये बता दिया चलिए और इसके बाद है ना जो ये मैं है ना जैकेट बना रही हूँ वो नीचे की पूरी की पूरी लंबाई है ना वहां से बना रही हूँ और इसका जो साइज है वो एक्सेल है तो इसे बनाने के लिए हमें ना क्या करना है ये देखिए इस तरह से लेके ना हम ये देखिए लेंगे और ये नॉट लगा के और इसमें ना ये जैकेट में हम चैन लेना शुरू कर देंगे तो ये एक्सेल और डबल एक्सेल वालों को डबल एक्सेल वालों को थोड़ा सा मतलब ठीक कि एक्सेल वालों के लिए है और इसमें जो मैंने ना चैन ली है वो मैंने वन एट्टी चैन ली है क्योंकि हमारा जो हमारा क्रोशिया है वो थोड़ा मोटा है इसलिए मैंने इसमें ना वन एट्टी चैन ली है तो उसी तरह से है ना मैंने ही बनाया तो ये पूरी चैन बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है तो इसकी लंबाई रखनी है ठीक है और इसकी लंबाई कितनी है ये सब तो मैं आपको डिटेल में ना शुरू में ही बता चुकी हूं तो देखिए ये यहाँ तक हो गया इसके बाद हमें क्या करना है देखिए इस तरह से एक दो तीन चार ये चार चैन हमें ले लेनी है और और उसके बाद में हम ये देखिए दो बार ये फंदे ले रहे हैं और यहीं पे डाल के हम देखिए एक बार में दो फंदे निकालेंगे फिर दो फंदे निकालेंगे और इसे ऐसे ही हम रहने देंगे ठीक है फिर से दो बार फंदे लेंगे इसी वाले इसी में डाल के हम यहाँ पे फिर से दो फंदे निकाले फिर दो फंदे निकाले अब हम इन सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे ठीक है तो ये हमें इस तरह से करना है ओके उसके बाद में हमें ये फिर से दो बार फंदे लेने हैं और यहाँ पे एक दो पता नहीं यार इसमें ना डिज़ाइन दिख भी रहा होगा या नहीं क्योंकि ये थोड़ी शाइनिंग वाली वूल है तो ये देखिए एक दो तीन ये चार चार चैन छोड़ेंगे और पांचवी वाली चैन में डाल के हम इस तरह से यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया देखिए दो बार फंदे निकाले फिर दो फंदे निकाले अब ये दो हम ऐसे ही क्रोशे के ऊपर रहने देंगे फिर से इसमें डालेंगे और इसी चैन में डाल के हम फिर से निकालेंगे और ये ट्रिपल क्रोशिया के दो फंदे निकालेंगे फिर दो फंदे और ये देखिए टोटल तीन हो गए अब इन तीनों को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे ठीक है उसके बाद में हम एक दो तीन चार ये चार चैन लेंगे और ये देखिए दो बार ये फंदे ले लिए और इसी के बराबर वाले चैन में डाल के हम ये देखिए इसके बराबर वाली चैन में ही डालेंगे और ये देखिए दो फंदे निकाले फिर दो फंदे निकालेंगे और ये दो हम क्रोशी के ऊपर ऐसे ही रहने देंगे फिर से दो बार फंदे लेंगे इसी में डालेंगे और ये देखिए दो निकाले फिर दो निकाले और ये हमने क्रोशी के ऊपर ही रहने दिए तो ये टोटल तीन हो गए अब इन सबको हम एक साथ निकाल देंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा बनेगा ठीक है उसके बाद में हमें क्या करना है फिर से ये देखिए दो बार फंदे ये क्रोशे के ऊपर लेने हैं और यहाँ पे ये यहाँ पे हमने बनाया था एक दो तीन चार और ये पांच तो ये पांचवी वाली चैन में डाल के चार चैन छोड़ के और ये देखिए पांचवी वाली चैन में डाल के हमें यहाँ पे फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया के दो बार फंदे दो दो करके निकाल लेने हैं और एक एक देखिए क्रोशिया को ये फंदे को क्रोशे के ऊपर ही रहने देंगे फिर दो बार ये फंदे करेंगे इसी वाली चेन में डालेंगे और ये देखिए दो दो करके दो बार में निकाल दिए और अब इन तीनों को हम एक साथ निकालेंगे अगर आप है ना मेरे बोले पे भी नहीं जाएंगे और इसे है ना ध्यान से देखेंगे तो आपको ये है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा उसके बाद में हम फिर से एक दो सॉरी चेन नहीं लेंगे यहाँ पे एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और चार चैन लेने के बाद दो बार ये देखिए फंदे की रोशे के ऊपर ले लिए और इसी की बराबर वाली में डाल के हम ये पहले दो फंदे निकालेंगे फिर दो फंदे निकालेंगे और ये सॉरी ये दो फंदे किोशे के ऊपर ही रहने देंगे फिर से दो बार फंदे लेंगे इसी चैन में डाल के फिर दो निकाले फिर दो निकाले और अब ये जो हमारे तीन हो गए हैं इन्हें एक साथ निकालेंगे ठीक है फिर हम दो बार फंदे लेंगे तो ये देखिए यहां तक हो गया फिर हम इसे ना, ये देखिए, दोनों हमने एक बार ये और ये इस अगली चैन में ही फिर हम यहाँ पे देखिए दो बार फंदे लेंगे और एक दो तीन चार चार चैन छोड़ के पांचवी वाली चैन में डाल के हम इस तरह से ये दो फंदे निकालेंगे फिर दो फंदे और ये क्रोशे के ऊपर दो रहने देंगे फिर दो बार फंदे लेंगे और इसी चैन में डाल के फिर से दो निकालेंगे फिर दो और ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो आपको ये समझ आया कि हमें कैसे करना है ये देखिए पहले हमें ये देखिए ये वाले जो ट्रिपल क्रोशिया हैं थोड़ा पास से ही दिखाती हूँ आपको ये देखिए पहले हमें ये हमने ना कोने वाला बनाया उसके बाद में हमें अगली ही इस तरह से चार चैन छोड़ के ये ट्रिपल क्रोशिया जो ये दो दो करके हम तीन बार में निकालते हैं ट्रिपल क्रोशिया होता है और ये ट्रिपल क्रोशिया दो बनाने हैं इस तरह से फिर चार चैन लेनी है और फिर अगली चैन में ही हमें ये दो और बनाने हैं फिर हमें बिना कोई चैन लिए और यहाँ पे चार चैन छोड़े हमें ये बनाने हैं दोनों फिर चैन लेनी है फिर ये दो बनाने हैं फिर बिना चैन छोड़े ये हमें दो बनाने हैं और इससे आगे वाले में ही चैन लेके हम से बनाएंगे तो आपको यह ना समझ आया कि हमने कैसे बनाया है इसी तरह से मैं थोड़ा और बना के तब आपको दिखाती हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा तो ये देखिए देखने में ना कुछ इस तरह का लगेगा देखिए आपको समझ आ गया Osionfish. पहले ये है ना दो बनाने हैं फिर चैन लेनी है फिर ये दो बनाने हैं ठीक है फिर बिना चैन लिए चार चैन छोड़ के फिर दो बनाने हैं चैन लेनी है और फिर अगली चैन में दो बनाने हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा ठीक है तो इसी तरह से है ना जैसे मैंने आपको बताया है ये पूरी की पूरी हम है ना ये कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए हमारा इसी तरह से है ना मैंने ये पूरी की पूरा बना लिया है जो हम शॉल ये बना रहे हैं ये हमें ना पूरा लंबाई की तरफ से बना रहे हैं ठीक है उसके बाद देखिए ये चैन लेके हमने ये यहाँ पे बना लिया अब हमें एक दो तीन चार चार चैन छोड़ के और पांचवी वाली चैन में ये देखिए दो बार फंदे ले लिए क्योंकि अब हमारी यहाँ पे चैन खत्म हो गई है तो हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे फिर से दो बार फंदे लेंगे और फिर से पहना डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से ठीक है जैसे हमने ना एकदम टा है ये शुरू में दो ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे ना, ऐसे ही हम लास्ट में भी दो ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे फिर हम इसे पलटेंगे पलट के हम एक चैन लेंगे और देखिए यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे फिर उससे आगे वाले में यहाँ पे डालेंगे और एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है उसके बाद हम जो ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे ना दो इसके बीच में देखिए यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद हमें देखिए एक दो तीन चार चार चैन लेनी है और जो ये वाले दो ट्रिपल क्रोशिया हैं इनके बीच में डाल के हमें सिंपल क्रोशिया बनाना है फिर उससे आगे वाले में डालना है जो ये ट्रिपल क्रोशिया थे इसमें सिंपल क्रोशिया बनाना है ये देखिए कुछ इस तरह से और फिर से हम एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और अगले वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे फिर इससे आगे वाले में डालेंगे और यहाँ पे सिंपल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि ये दो दो कर ये दो थे ना ट्रिपल क्रोशिया ये दो इन दोनों के बीच में हमें सिंपल क्रोशिया बनाना है फिर से चार चैन लेनी है और फिर से सेम प्रोसीजर करना है पहले यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया फिर अगले वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है दो उसमें सिंपल क्रोशिया फिर से एक दो तीन चार चैन और फिर से सिंपल क्रोशिया तो जो ये हमारी सेकेंड वाली लाइन है ना ये ऐसे ही बनेगी ठीक है ना? ये देखिए चैन चैन बना के और दो दो सिंपल क्रोशिया इस तरह से बनेगी तो ये पूरी की पूरी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है तो ये देखिए हमने पूरे में ना ये चैन चैन बना ली है और दो दो सिंपल क्रोशिया उसके बाद में हम देखिए ये जो हमारी चैन है ना इसमें भी एक सिंपल क्रोशिया बना देते हैं ये देखिए थी, ठीक है अब इसे पलटेंगे इसमें हम एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और ये देखिए जो हमारी ये दो सिंपल क्रोशिया है ना इन दोनों के ऊपर तो ये पहले वाले सिंपल क्रोशिया में डालेंगे और ये दो फंदे निकाले फिर ये दो फंदे निकाले और ये दो क्रोशे के ऊपर फिर इसी में डालेंगे फिर से दो फंदे निकाले फिर दो फंदे निकाले और ये एक क्रोशे के ऊपर और इन सबको एक साथ निकाल देंगे ठीक है अब हमें ना दूसरा भी यहीं पे बनाना है तो हम जैसे है ना दोनों एक साथ बनाते थे तो उसके बीच में चैन लेते थे ना ये देखिए जब हम ये दोनों एक साथ बनाते थे तो बीच में चैन लेते थे तो इसके भी बीच में हम चार वो ही चैन लेंगे और अगले वाला जो सिंपल क्रोशिया है उसमें डाल के हम ये इसी तरह से बनाएंगे जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं ठीक है अब ये तीन हो गए क्रोशे के ऊपर इन्हें हम एक साथ निकाल देंगे ये देखिए ठीक है उसके बाद में अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम चैन नहीं लेंगे जैसे कि हम यहां के बाद ये आगे जाते थे और ये चैन छोड़ते थे ना ऐसे ही हम ये वाली चैन छोड़ देंगे और आगे वाला जो ये सिंपल क्रोशिया है इस पे डाल के हम एक सेकेंड इस पे डाल के हम ये इस तरह से दो दो करके दो बार में ये फंदे निकाल लिए फिर इसमें ही डाला फिर दो दो करके ये फंदे निकाल लिए और अब हम इन्हें एक साथ निकाल देंगे इस तरह से फिर यहाँ पे क्योंकि हमें आगे ही ये दो ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं तो यहाँ पे हम फिर से चैन लेंगे ये देखिए दो तीन चार ठीक है और ये अगले वाली जो सिंपल क्रोशिया है उस पे डाल के हम ये बनाएंगे और इन सबको एक साथ निकाल लेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपको फूल जैसा दिखाई देगा ये देखिए। अभी मैं सेम इसी तरह से ना ऊन भी बनाती हूं देखिए जैसे आगे वाले पे हम जाएंगे ये दो निकाले फिर ये दो और ये क्रोशे के ऊपर रहने दिया फिर अगले इसी में डाल के फिर दो निकाल दो बार फंदे लिए सी में डाला और फिर दो निकाले फिर दो निकाले और इन सबको अब एक साथ निकाल देंगे ठीक है फिर चार चैन लेंगे फिर से दो बार फंदे क्रोशिया के ऊपर और अगले वाले सिंपल क्रोशिया में इस तरह से हम डाल देंगे और फिर इन सबको एक साथ निकालेंगे तो ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं कि ये एकदम स्टार जैसे है ना डिजाइन बनता जाएगा अभी ये कम दिखाई दे रहा है ये देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे बनाना ऐसा ही इसके ऊपर आएगा फिर उसके ऊपर आएगा तो ये एकदम अलग ही वाला है ना डिज़ाइन बन के न तैयार होगा जब हम इसे देखेंगे ना तो ये फूल फूल ऐसे नजर आएंगे तो इसी तरह से है ना मैं ये वाली लाइन पूरी कर लेती हूँ और उसके बाद में हमें ये चैन वाली लाइन बनानी है जैसे हमने चैन वाली बनाई थी ना पहले ये लाइन इधर से आते हुए तो वैसे ही हमें इसे आगे बना लेनी है और सेम तरीके से ही इसे हम बनाते जाएंगे तो पहले ये पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ तो ये देखिए हमने ना ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली है और ये देखिए आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ और अब आपको ये ना डिज़ाइन सा भी समझ आने लगा होगा देखिए ये राउंड सा कितने अच्छे से बना है अब हम इसे ना फिर से पलटेंगे और लास्ट में भी मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए ये हमने ये बनाया फिर चैन ली और इन दो के ऊपर दो ही बनाए ठीक है उसके बाद में हम एक चैन लेंगे और इन दो के ऊपर दो ही इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना लेंगे फिर एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और ये सिंपल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाले जो ये दो ट्रिपल क्रोशिया हैं इनके ऊपर और फिर इसके आगे वाले जो दो ट्रिपल क्रोशिया इनके ऊपर फिर से एक सिंपल क्रोशिया जैसे हमने यहां पे बनाया था जो हमारी सेकंड वाली लाइन थी ना उसमें फिर से चार चेन लेंगे इस तरह से और ऐसे ही सिंपल सिंपल क्रोशिया बना लेंगे ठीक है तो जैसे सेकंड लाइन बनाई थी सेम वैसे ही तो ऐसे ही आप इसकी ऊपर सारी लाइनें बनाते जाएंगे ठीक है देखिए, पहले ये वाली बनानी है फिर चैन वाली बनानी है फिर ऐसे ही बनानी है फिर चैन बनानी है तो ऐसे ही आपका ये पूरा का पूरा है ना डिज़ाइन कंप्लीट होगा तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से बनाते हुए मैंने इसमें ना जैकेट के ना जितनी मुझे ना ये मतलब मुड्ढे तक बनानी थी उतनी बना ली है और मैं अगर आपको लाइनें बताऊं तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ना ये देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो ये मैंने ना पंद्रह डिजाइन है ना ये इसमें बनाए हैं और अगर इंच के हिसाब से बताऊँ तो ये अट्ठारह इंच है ऐसे हम भाई ना और मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो जैकेट है वो मैं ना पूरा का पूरे ये देखिए ये यहाँ तक हमारी पूरा हो गया है अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ अभी मैं ना लिख के दिखाऊंगी तो आपको है ना थोड़ा सही समझ आएगा आ, ये मैंने ना ऊपर के डिज़ाइन गिन लिए हैं जैसे ये हमने दो एक साथ किए थे तो ये एक हो गया ये दो ये तीन ये चार तो ये मतलब दोनों मिला के मैंने एक गिना ऐसे करके ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ऐसे ही है ना ये इसमें जो टोटल हैं वो हमारे थर्टी टू हैं जो इसमें पूरे में है ना वो थर्टी टू है तो मैं आपको है ना एक बार है ना देखिए आ देती हूँ कि ये एक सेकेंड साइड में रखते हैं जैसे हमारे ये है ना थर्टी टू है ठीक है तो ये थर्टी टू को हम हाफ करेंगे ये हमारे सिक्सटीन सिक्सटीन हो जाएंगे तो 16 हमारे पीछे की साइड में और 16 हमारे आगे की साइड में तो 16 को भी हमें ना दो भाग मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना होगा क्योंकि आगे के दोनों साइड होंगे ना वो और ये पीछे की साइड हो गया तो ये आगे की साइड वाले हम ऐसे इसमें एट और एट ठीक है ये हमारे एट एट हो जाएंगे थोड़ा पास से दिखाते ये देखिए ये हमारे थर्टी टू जो हमारे डिजाइन है वो पूरे थर्टी टू हैं फिर हमने इसे हाफ हाफ किया सिक्सटीन सिक्सटीन हो गए और ये सिक्सटीन हमारे पीछे की साइड के हैं और ये वाले सिक्सटीन आगे की साइड के हैं तो इसे हम दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे एट एट हो गए ठीक है तो अब हम जो इसमें है ना डिजाइन बनाएंगे ये देखिए पहले हम आगे का पार्ट बना रहे हैं तो आगे का पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा ये देखिए ये हमने ना यहाँ तक बना लिया तो आगे का पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा ये देखिए जैसे ये हमारा डिज़ाइन है ये एक दो मैंने आपको बताया था कि हम इसे कैसे गिन रहे हैं ये जो दोनों एक साथ ऐसे हो रहे हैं ना तो ये एक हो गया ये दोनों एक साथ हुए दो ये तीन ये चार ये पांच ये छ ये दोनों सात ये आठ तो ये यहां तक ये देखिए एक सेकेंड ये देखिए यहाँ तक हमारे ये आठ डिजाइन हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ डिजाइन हो गए तो हम ये ना वापस से जो हम चैन बनाएंगे वो आठ तक यहाँ तक बनाएंगे सिर्फ यहाँ तक ठीक है तो यहाँ तक बना के फिर मैं दिखाती हूँ और इसे हम क्योंकि है ना ऐसे है ना वापस यहाँ तक ले जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ना क्या करना होगा तो पहले हम यहाँ तक ले जाते हैं तो ये देखिए वापस लाने के लिए हम फिर से वही एक चैन लेके ये इसके ऊपर सिंपल क्रोशिया बनाएंगे फिर इससे आगे वाले ऊपर एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है ये बन गया ना फिर हम वही एक दो तीन चार चैन लेंगे और फिर ये यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया फिर इस आगे एक सिंपल क्रोशिया ठीक है तो ऐसे ही हम आठ डिज़ाइन तक बना लेते हैं तो ये देखिए हमने आठ डिज़ाइन तक ये बना लिया है तो ये देखिए एक डिजाइन ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो आठ डिजाइन तक हमने बना लिया है अब आठ के बाद हमें क्या करना है देखिए इसे यहीं से पलट लेंगे पहले हम आगे वाला हिस्सा बना रहे हैं ना तो उसके लिए फिर हम एक दो तीन चार चैन लेंगे और यहीं पे ये वाले जो ये है इसके ऊपर ही डाल के हम देखिए वाले इस वाले पे ही डाल के हम क्योंकि हमें ना यहाँ पे एक कम करना है जैसे ये दो डिजाइन है तो हमें ना यहाँ पे मुड्ढा घटाएंगे ना क्योंकि ये अंदर की साइड है तो यहाँ मुड्ढा आएगा ना तो हम यहां पे क्या करेंगे ये देखिए दो डिजाइन एक साथ है ना तो अब इसके ऊपर हम सिर्फ एक ही, ही बनाएंगे तो ये हमारा है ना मुडा घट जाएगा एक सेकेंड ये देखिए इन दो के ऊपर हम एक बार ही ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया ट्रिपल क्रोशिया सॉरी और इसी में डाल के एक और इस तरह से जैसे हम डिजाइन बनाते आ रहे हैं और ये एक ही बनाएंगे दो नहीं बनाएंगे ठीक है उसके बाद में हम फिर से दो बार फंदे लेंगे और आगे वाली जो ये हाफ डबल हाफ क्रोशिया है ये सिंपल क्रोशिया इसमें डाल के निकाला फिर ये डाला जैसे हम डिज़ाइन बनाते आ रहे थे डिज़ाइन सेम ही बनना है और इन सबको हम एक साथ निकाल देंगे ठीक है फिर चैन लेंगे तीन और ये चार ठीक है अभी हम इसी में अगले वाले सिंपल क्रोशिया में डाल के देखिए ये दो बार में दो दो फंदे निकाल लिए एक क्रोशिया के ऊपर रहने दिया फिर से यहीं पे डाला फिर ये डाला और फिर दो दो करके दो बार में निकाल लिया और इन सबको एक साथ निकाल लिया जैसे हम डिजाइन बनाते आ रहे थे ना सेम वैसे ही हमें बनाना है ऐसे ही यहाँ बनाएंगे और ये यहाँ तक लास्ट तक बना लेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए, यहां तक मैंने ये डिजाइन बना लिया है सेम वैसे ही जैसे हम बनाते आ रहे हैं लेकिन अब देखिए, यहां से ना हमें ये घटाने शुरू होंगे क्योंकि इसका हम है ना वी शेप में बनाएंगे ना नेक ऐसे तो ये यहाँ से हम है ना घटाना शुरू करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए ये यहाँ पे हमें ना जो सिंपल ये बनाने वाले थे ना ये देखिए सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है बीच की चैन ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है और यहाँ पे हम एक से यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए एक सिंपल क्रोशिया बना लिया फिर हम यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे फिर वही चार चैन लेंगे और फिर इन दोनों के ऊपर सिंपल क्रोशिया बना लेंगे ठीक है ना ये यहाँ से हमें इन को एक करना है ठीक है अब हम यहाँ पे भी ऐसे ही चार चैन बनाएंगे और सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे यहाँ तक और यहाँ पे इधर आके हमें अब नहीं घटाना है वो हम एक घटा चुके थे उसके बाद हमें नहीं घटाना है तो ये पूरा यहाँ तक करके उसके बाद में उधर से फिर हमें क्या करना है वो दिखाते हैं तो ये देखिए हम यहाँ से ना वापस बना रहे हैं और यहाँ पे हमें इस तरह से पहले वाले के ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है ये देखे, दो दो करके दो फंदे निकाल दिए और एक के ऊपर इन सबको एक साथ निकाल लिया फिर यहाँ पे एक दो तीन चार अगले वाले में डालेंगे और यहाँ पे भी सेम तरीके से ही हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए इस तरह से हो गया हमें ये अब ऐसे ही मतलब ऊपर तक बनाते जाना है इधर साइड हमें कुछ भी नहीं घटाना है ठीक है ना फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आके हमें क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ आपको तो ये देखिए हमने ना ये यहाँ तक पूरा बना लिया अब हमने जो ये घटाया था ना इस पे हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ दे। देखिए ये बिना चैन लिए अब यहाँ पे जो बनना था ना इसके ऊपर हम एक बनाएंगे एक, एक सेकेंड रुकिए ये देखिए दो बार फंदे लिए इसमें डाला और यहाँ पे ये देखिए दो दो करके दो बार फंदे निकाले एक करोशी के ऊपर और इन तीनों को एक साथ निकाल दिया ठीक है और अब हमें ना यहाँ पे ये हमारा घट गया है ठीक है ना ये देखिए ये देखिए आप देख भी सकते हैं ये हमारे यहाँ पे तीन थे इसके ऊपर एक ही बना है फिर हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पे एक दो सॉरी ये देखिए यहां पे हमें एक चैन लेके इसके ऊपर एक सिंपल क्रोशिया बनाना है फिर इससे आगे एक सिंपल क्रोशिया बनाना है जो हम नॉर्मली करते हैं लेकिन हमें ना फिर से यहाँ पे एक घटाना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे ही एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे बस ये एक सिंपल क्रोशिया हो गया फिर हम यहाँ पे चार चैन लेंगे फिर इन दोनों के ऊपर सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे बस ये ध्यान रखना है इसमें कि हमारे एक एक है ना घटते हुए जाना चाहिए उसी तरह से है ना हम हर एक एन में ना एक एक घटाएंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा जैसे ये चैन है ना चैन पे हमने एक यहाँ पे ही कम कर दिया तो दूसरे डिजाइन में हमारा कम अपने आप ही हो जाएगा तो ये ये वाला जो डिजाइन है ये हर जब हम ये डिजाइन बनाएंगे तो एक हमारा डिजाइन कम हो जाएगा तो इसी तरह से ये हमें ऊपर तक बनाना है तो ये मैं बना लेती हूं और फिर उधर से ये डिजाइन बना के ले आती हूं क्योंकि इधर तो हमें कोई कम नहीं करना है जब हम इधर आएंगे फिर हमें क्या करेंगे फिर मैं दिखाती हूं तो ये देखिए ये कितनी अच्छी सी शेप हमारी है ना ये पूरी बन के तैयार हो रही है ये देखिए एकदम वी शेप में है ना ये ऐसे ही बन रही है बस हमें क्या ध्यान रखना है ये दो के ऊपर हमें एक बनाना है थोड़ा पास से देखिए आप ये देखिए जैसे ये दो हैं इन दो के ऊपर हमने ये एक बनाया ऐसे ही हमें ये बनाना है तो हमने इसमें अब तक जो बनाया हुआ है वो लाइन बनाई है एक दो तीन चार पांच पांच हो गई है अभी हम इसमें ना आप ये देख लेना अभी हम इसमें छः और सात दो लाइनें और बनाएंगे तो हमारा ये डिजाइन है ना इसी तरह से एक सेकेंड ये देखिए हम इसमें है ना इस तरह ये देखिए इस तरह से है ना हम इसमें ऐसे ही कम करते हुए चले जाएंगे एक एक एक, एक देखिए मैं अगर आपको गिनके दिखाऊं तो ये हमारे पहले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ डिजाइन थे फिर आठ के ऊपर हमारे ये डिजाइन जो बचे वो एक दो तीन चार पाँच छ सात सात बचे क्योंकि हमने एक इधर से कम किया था एक ही हमारा ही इधर से हुआ था तो ये पूरा डिजाइन नहीं सिर्फ हमने इधर वाला कम किया था तो उस तरह से हुआ ठीक है और फिर हमने ना इसी तरह से यहाँ पे ये एक 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 करके कम करते चले गए तो ये हमारा इस तरह का बन गया तो अब हम फिर से इसे कम करेंगे और इसे कम करने के लिए ये देखिए वो ये हम एक चैन लेंगे और ये एक सिंपल क्रोशिया इसके ऊपर हम बनाएंगे ठीक है फिर हम ये एक दो तीन चार और यहाँ पे दो बार सिंपल क्रोशिया बनाएंगे दोनों के ये ऊपर इस तरह से तो ये ऐसे ही हमारा है ना अब ये हमारा कम हो जाएगा फिर हम उधर से आएंगे तो इस पर डिजाइन बनाएंगे तो ऐसे ही कम करते हुए दो लाइनें और भी बना लेते हैं तो आपको समझ आ गया ना कि हमें ये एक साइड से कम करते जाना है ऐसा ही हमें इसके दूसरी साइड में भी करना है ठीक है ये दूसरी साइड में इसमें हम क्या करेंगे देखिए ये जैसे यहां से डिजाइन है ना एक दो तीन चार पांच छ एक सेकेंड ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो ये आठ इधर से यहाँ से हम जोड़ेंगे और यहां से फिर इधर को बनाते हुए चले जाएंगे तो ऐसे ही करके जैसे हमने ये बनाया था ना ऐसे ही हमें इधर का भी बनाना है तो ये पूरा बना के दोनों साइड का फिर दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा है ना ये बन के तैयार हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी शेप इसकी है ना पूरी की पूरी आई है और ये हमारा इधर से इसकी है ना हमारा मोटा बन गया है ठीक है और ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है अब हम दूसरी तरफ भी है ना आगे का परत इसी तरह से बना रहे हैं ठीक है हमने ये है ना आठ डिजाइन लिए और यहाँ पे है ना इसे जोड़ दिया और जोड़ के फिर हमने ना चेन बना के यहाँ तक पहुँच गए उसके बाद में हम जब अब इसे वापस करेंगे ना अब हम इसे क्योंकि उसमें हम इधर से घटा रहे थे और इसमें इधर से घटाएंगे क्योंकि ये वाला है ना डिजाइन हमारा इधर आ रहा है तो अब हम फिर से ना इन दो के ऊपर एक बनाएंगे ये देखिए ये दो डिजाइन है ना एक हम घटा देंगे ये देखिए इस तरह से तो ये हमारे दो डिजाइन थे इनके ऊपर हमारा एक बन गया अब हम आगे वाले डिजाइन पे चले जाएंगे ठीक है तो ये इसी तरह से ना हमें बनाना है ठीक ये हमने ना ये देखिए यहां तक हो गया अब हम यहाँ पे ना चैन लेंगे और यहां पे डाल के ये देखिए तो ऐसे ही हम आठ डिजाइन तक जहां से हमने ये जोड़ के शुरू किया है ना यहाँ पे ये देखिए ये डिजाइन से हमने यहां पे जोड़ के शुरू किया है यहां तक बनाएंगे फिर उधर से इसी तरह से लाएंगे और इधर से जाते हुए हम फिर से ये दो का ये दो दोनों जो हैं इनका एक करेंगे और इसी तरह से हम यहाँ से भी ये घटाते जाएंगे ठीक है तो ये देखिए हमारा ये भी है ना पूरा हो गया इधर से और उधर भी हम सेम तरीके से बना लेंगे तो आप इतना बना लीजिए तो ये देखिए जैसे हमने ये बनाया है वैसे तो हम ये इधर बना रहे हैं ये मैं आपको दिखा देती हूं यहाँ से ना हम ये वाली तरफ से ना नहीं हम कम करेंगे इधर से हम ये देखिए जैसे ये एक कम हो गया ना इधर से ऐसे ही इधर कम करते चले जाएंगे ठीक है और जितने हमने यहाँ पे ना ऊपर रखे हैं उतने ही हमें रखने हैं देखिए ये दोनों हो गए अब उसके बीच में जो ये हमारे सोलह डिजाइन है ये देखिए एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो ये सोलह डिजाइन है ना तो इन्हें हम है ना यहाँ से शुरू करेंगे और ये वाले सिर्फ एक हम डिजाइन कम कर देंगे एक डिजाइन यहाँ पे घटा देंगे जो हमारा मुड्ढा घट जाएगा ठीक है और उसके बाद इधर से एक लाइन में हमने घटा दिया इधर से एक घटा दिया उसके बाद से हमें पूरा का पूरा ये ऐसे ही एज इट इज उतना ही बुनना है जितना हमने ये सात लाइनें बनाई है ना जैसे वैसे ही बनाना है तो आप इतना बना लीजिए उसके बाद है ना मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें ना क्या करना है तो चलिए इतना बनाने के बाद फिर मैं सेकंड पार्ट जो आपको है ना इसी वीडियो के है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के जो कमेंट्स होते हैं ना उसमें है ना जो फर्स्ट वाला कमेंट होगा उसमें जो लिंक दिया हुआ होगा वो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और इतनी लंबी वीडियो अपलोड भी नहीं होती है और आप भी नहीं देख पाते हैं इसलिए मैं इसका है ना सेकंड पार्ट लेके आ रही हूँ बस ये दोनों साइड और ये बीच वाली जैसे मैंने आपको बताई है वैसे ही पूरी कर लेते हैं उसके बाद में इसे जोड़ना और इसके साइड में ना बटन लगाना या बटन इसके यहाँ पे डिजाइन बनाना नीचे डिज़ाइन बनाना वो सब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊँगी तो चलिए मिलते हैं अब आप सेकंड पार्ट जाके है ना आप उसमें देख लेना पिन कमेंट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना उसमें भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी तो चलिए इसे देख लीजिए उसके बाद में ना या फिर आप मुझे कमेंट करिए तो मैं उस कमेंट के जवाब में आपको दूसरी वीडियो का लिंक दे दूंगी तो चलिए इतना बना लीजिए फिर मैं ना आगे का आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ तो बाय एवरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग